हाय दोस्तों, तो हमेशा से लोग सोचते थे कि भाई हॉलीवुड की फिल्म हमेशा अच्छी होती है और जो इस तरीके की कॉन्सेप्ट पे फिल्में बनती है तो लोग और एक्साइटेड हो जाते हैं देखने के लिए। मैं आज बात कर रहा हूँ हॉलीवुड की नई मूवी जो कि रिलीज हुई थी 14 फरवरी को, जिसका नाम था फैंटेसी आइलैंड। तो बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि भाई इसका भी रिव्यू करो, तो इस वजह से मैंने ये फिल्म तो देखा, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मैं यही सोचा कि जरूरी नहीं कि हर हॉलीवुड की फिल्म और हर बड़े स्टूडियो की फिल्म अच्छी होगी। ये फिल्म का कॉन्सेप्ट आपको देखने में ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है, फिल्म का टाइटल देख के आप बहुत एक्साइटेड होते, क्योंकि इस तरीके की जो फिल्में होती है वो बहुत ही ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है, लोगों को बहुत पसंद आती है। लेकिन ये फिल्म जब मैंने देखा तो मुझे कैसा लगा, मैं इस पर आगे डिस्कशन करूंगा, लेकिन आपको सबसे पहले इसकी कहानी बता दूं। फैंटेसी आइलैंड एक रिबूट है, ये पहले 1977 में एक टीवी सीरीज चलती थी जो बहुत ही ज्यादा फेमस थी, और उसका ये रिबूट सोनी पिक्चर्स ने बनाने की कोशिश की है। लेकिन मैं बोलता हूँ सोनी पिक्चर्स ने एक अपने करियर की सबसे बड़ा गुनाह में से एक गुनाह किया इस फिल्म को बनाकर, क्योंकि इस फिल्म का जितना कॉन्सेप्ट सुनने में मजा आता ना, उतना फिल्म देख के बहुत ऐसा लगता, मतलब फिल्म देखते के दौरान आपको इतनी सुस्ती इतनी आलस आएगी कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जरा भी आपको रोमांचक ये फिल्म करती नहीं है। फिल्म की कहानी बता तो कुछ लोग है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स है जो विनर है कॉन्टेस्ट के, उनको मौका मिला है फैंटेसी आइलैंड पे एक रिजॉर्ट वहां पर रहने का, और उस रिजॉर्ट के मालिक है मिस्टर रॉर्क। फिर जैसे ही वो कॉन्टेस्टर उस रिजॉर्ट पे पहुंचते हैं, रिजॉर्ट में पहुंचने के बाद उनकी लाइफ किस तरह से बदलती है, बेसिकली यही कहानी है। और मैं आपको और इस फिल्म से रिलेटेड ज्यादा चीजें बता दूं, वो ये है कि फैंटेसी मतलब आपकी जो इमेजिनेशन होती है वो आपकी इमेजिनेशन कोई भी चीज को लेकर हो सकती है। यानी किसी की फैंटेसी होती है कि उसको एक बड़ी कार लेना, उसमें ड्राइव करना है, किसी की फैंटेसी होती है बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े घर लेने, किसी की फैंटेसी होती है बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाना, किसी की फैंटेसी होती है सेक्स या जो भी चीजें करना। ये तो बेसिकली जो मूवी है ये पूरी की फैंटेसी के ऊपर बेस्ड है। जो भी यहाँ पे कंटेस्टर है उन लोगों की जो जो फैंटेसी है वो फैंटेसी उन लोगों की यहाँ पे सच होती है या उनका बुरे सपने में बदल जाती है वो सारी फैंटेसी, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ मूवी देखनी पड़ेगी, लेकिन मैं आप लोगों को एडवाइस देता हूँ कि इस मूवी से जितना हो सके उतना दूर रहे, क्योंकि ये जितना सुनने में अच्छी लगेगी ना कहानी, उतना अगर आप उसको देखोगे तो सबसे ज्यादा ये प्रेडिक्टेबल स्टोरी आगे चल के ऐसा था किसी बचकाने राइटर ने इस कहानी को लिखा, प्लस जो डायरेक्शन है वो भी इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता है। हालांकि मिस्टर रॉर्क के लिए यहाँ पर हमें माइकल पेने नजर आते हैं। माइकल पेने यू तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कॉमेडियन एक्टर है, लेकिन जब मैं इनको नार्कोस मेक्सिको में देखा तब मैं जो मेरी सोच है वो पूरी बदल गई थी, क्योंकि वहां पर उन्होंने इतना इंटेंस परफॉर्मेंस दिया था माइकल पेने ने। लेकिन यहाँ पर माइकल पेने का काम ठीक ठाक है, लेकिन वो इम्पैक्ट फील होता नहीं है क्योंकि इसकी राइटिंग बहुत ही बेकार है। उसके अलावा जितने भी सपोर्टिंग कास्ट है वहां पर, जितने भी कंटेस्टेंट है जो उस रिजॉर्ट पे आते तो उनका काम भी ठीक ठाक लगा। उसके अलावा जितने भी वहां पे रिजॉर्ट में ऑलरेडी काम कर रहे थे माइकल रॉर्क के, वो मुझे समझ में आता उनकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह से क्यों थी, मतलब वहां जॉम्बी थे या क्या थे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो खैर बस मैं आपसे इतना ही बोलूँ कि अगर आप लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, आप वेस्ट कर सकते हो और आपको इस तरीके की चुतिया पाव वाली फिल्में देखना पसंद है तो आप जरूर जाके देख सकते हो फैंटेसी आइलैंड। अगर आपको कुछ अच्छी मूवीज, कुछ अच्छी चीजें देखना पसंद है तो इस मूवी को आप 100% इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि जितना सुनने में अच्छा लग रहा है उतना खराब है। एक कहावत है कि जंगल दूर से बहुत खूबसूरत लगता है लेकिन अंदर जाओ तो उतना ज्यादा खतरनाक होता है, तो वैसी ये फिल्म भी है। जितनी बाहर से अच्छी लग रही है, जितना तुम इस फिल्म को देखने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा तुम बोर होगे, वो सब करोगे उसका कोई मतलब नहीं है। तो बस यार इस वीडियो में इतने, अगर आपको और कोई वीडियो तो और कोई मूवीज का रिव्यू चाहिए या कुछ भी आपको है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अरहान एंटरटेनमेंट सिर्फ हमेशा अच्छी मूवीज को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आप लोग किसी फिल्म का बोलो कि भाई इसका रिव्यू चाहिए तो उसके ऊपर भी रिव्यू कर दे, लेकिन मैं आप लोग को सतर्क कर देता हूँ कि भाई ये एक वर्स्ट मूवीज में से एक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, दुआ में याद रखना, मैं हूँ राजेश शेख।